अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू संदीप टेक्निकल। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही कमाल की वीडियो। इस वीडियो में हम आपको आईटेल वीएन 1 प्रो की चार्जिंग का प्रॉब्लम हल करके दिखाने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल सके। तो व्यूअर्स, जो आईटेल वीएन 1 प्रो है उसमें आपको चार्जिंग के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जैसा कि चार्जिंग पे मोबाइल लगता है लेकिन चार्जिंग सेव नहीं करता, यानी कि चार्जिंग को स्टोर नहीं करता, या फिर आपका मोबाइल जो है वो चार्ज पे लग के डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर आपका मोबाइल चार्ज पे लगता ही नहीं है। फिर आपने इसको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपने कोई लंबा काम नहीं करना। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो हम आपको इसका सलूशन करके दिखाने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप रिपेयरिंग के मतलब किसी भी किस्म की कोई वीडियो देखना चाहते हैं या आपको कोई मसला दरपेश है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है उसका आपको हल निकाल के दें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको मोबाइल को खोल लिया है, तो इसके जितने भी पेज हैं सबको खोल के अब इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपने बाहर निकाल लेनी है। चार्जिंग पोर्ट कैसे बाहर निकालनी है आप देख सकते हैं आपके सामने, ये मैं इसका निकाल रहा हूँ। इसका आपने सिंगल एंटीना की वायर उतार लेनी है, उसके बाद फिर आपने इसकी जो स्ट्रिप होती है जो एलसीडी के साथ इसकी लगी होती है उसको उतार लेना है, प्लस जो आपका वाइब्रेटर होता है उसको आपने डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर जो रिंगर की जो स्ट्रिप होती है उसको भी आपने उतार लेना है। तो आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम सुकून के साथ प्यार के साथ इसको आपने उतारना है। उतार के तो ये देखें, ये आसानी से बाहर आ चुकी है। तो ये मेरे पास जो चार्जिंग पोर्ट है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टोटल डैमेज हो चुकी है, इसके आईसीज जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टली आपको इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो चेंज करके दिखाएंगे, वो कैसे चेंज करते हैं या इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास चार्जिंग पोर्ट आपकी जो है वो बिल्कुल साफ़ होती है, उसके पॉइंट को मिस नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता, तो उस आपने क्या करना है, उसकी चार्जिंग बेस जो है वो आपने चेंज कर लेनी है। चार्जिंग बेस आपने बिल्कुल ऐसी चेंज करनी है जैसे आम नॉर्मल फ़ोन की चेंज करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने उसको चार्जिंग बेस को चेंज करके अच्छी तरह से वॉश करके आपने इसकी चार्जिंग बेस जो है वो चेंज कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैं जो है ये इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो चेंज जो है वो कर रहा हूँ। तो मैं चार्जिंग पोर्ट क्यों चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चार्जिंग बेस चेंज करके भी दिखा सकता था, इसलिए चेंज मुझे करनी पड़ी है क्योंकि ये पहले किसी दुकानदार के पास मोबाइल जो है वो गया था, किसी कारीगर के पास, ये मोबाइल टेक्नीशियन के पास पहले ऑलरेडी मोबाइल जा चुका है। तो उसने क्या किया था, इसकी चार्जिंग बेस चेंज किया लेकिन वो काम नहीं हुआ, फिर उससे वो एंटीना का जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर एंटीना लगता है वो टूट गया था, तो सिग्नल का प्रॉब्लम भी कर रहा था, वाइब्रेटर भी इसका शॉर्ट हो गया था क्योंकि जब इसको वाइब्रेटर साथ लगाते तो ये खुद ही बहुत वाइब्रेट करने लग जाता था, इसलिए मुझे इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो चेंज करनी पड़ी है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आपके सामने, ये भी मैं इसको चार्जिंग पर लगा रहा हूँ, चार्जिंग पोर्ट मैंने इसकी लगा दी है, इसको मैंने चार्ज पर लगाया, इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है। तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग पे लग चुका है, ग्रीन निशान जो है वो इसके अंदर आ चुका है। अब ये 10 से 20 मिनट लेगा, 10 से 20 मिनट के बाद जो है वो इसकी जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, यानी कि बैटरी इसकी थोड़ी चार्ज होगी, इसके सेल थोड़े एक दो बढ़ेंगे तो ये चार्जिंग पे परमानेंट लग जाएगा। तो आपने जब भी मोबाइल को खोलना है तो उसका जो सिग्नल एंटीना की वायर होती है उसको आपने बिल्कुल एहतियात से उतारना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसको उतारते उतारते नीचे से उसका जो पॉइंट है वो भी डैमेज हो जाता है, वो अपनी जगह से जो है वो टूट जाता है, तो बाद में फिर वो जंपर वगैरह करने से काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाद में जंपर जितने आप जंपर करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए, साथ वाले पॉइंट भी डैमेज होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट है इसके जो आईसी वगैरह लगे हुए हैं ये यहाँ से ये ख़राब हो चुके हैं। तो बेसिकली ये फ़ोन वाटर डैमेज था, वाटर डैमेज की वजह से इसके जो पॉइंट है वो डैमेज हो चुके थे, तो जो सबका मैकेनिक वाले हैं उन्होंने उसको ट्राई किया लेकिन ये प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। तो वो देख सकते हैं आपके सामने इसके जो जितने भी पॉइंट हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शादी पसंद को दीजिए इजाज़त, अपनी दो में याद रखिएगा,
अल्लाह हाफिज अल्लाह के बाद। तो व्यूवर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल शहजेब टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अल्लाह हाफिज अल्लाह के बाद, देखते रहिए शहजेब टेक्निकल।